हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किया की ऑल न्यू कार्निवाल के बारे में। ये वाला जो होने वाला है ये टॉप वेरिएंट है, तो इस गाड़ी के हम लोग बारे में डिटेल में वॉक अराउंड आपको देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाओ और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक देना मत भूलना। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इस गाड़ी की फ्रंट से। यहाँ पे गाइस देख सकते हो आप लोग, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन में आपको मिल जाता है टाइगर नोज ग्रिल, और उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रोम का वर्क किया गया है, और साथ ही साथ नीचे स्किड प्लेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हेडलाइट आपको मिल जाती है DRLs के साथ, और ये जो होने वाला है प्रोजेक्टर हेडलैम्प होने वाला है। फिर यहाँ पे आपको सेम सेल्टॉस जैसी आइस क्यूब डिज़ाइन में फॉग लैम्प मिल जाती है, उसके ऊपर एक क्रोम की ग्रिल मिल जाती है, और जो कि गाड़ी के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। आप देख सकते हो इस गाड़ी में क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। देखने में लगती है ये कहीं की फॉरेन की गाड़ी हो, पर नहीं, अब ये गाड़ी हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। बहुत सारे लोग इसे इनोवा से कंपेयर कर रहे हैं, पर इनोवा के अकॉर्डिंग में इसमें बहुत सारे ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और प्राइस की बात करूँ तो ये लगभग 40 लाख की आती है, इनोवा से काफ़ी ज़्यादा महंगी है ये गाड़ी। फिर पीछे की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर रियर लुक में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बैकलाइट वगैरह जो है वो LED में मिल जाती है, जो गाड़ी की लुक है रात को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली गाड़ी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिक्की में क्रोम का काफ़ी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और ऊपर किया की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। रियर वाइपर डिफॉगर वगैरह तो मिलना ही है इस गाड़ी में। नीचे आपको लैम्बोर्गिनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, और साइड में जो कार्निवाल का लोगो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर नीचे स्किड प्लेट्स वगैरह भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है, फिर से यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो लास्ट की जो एंड है वहाँ से लेकर फ्रंट तक बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रोम का वर्क किया गया साइड में भी। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अलॉय व्हील की, तो यार अलॉय व्हील देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ग्लॉसी लुक में जो क्रोम का फिनिश के साथ आपको अलॉय व्हील यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी तक मैंने इंडिया में ऐसी अलॉय व्हील तो किसी भी गाड़ी में नहीं देखी है, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग लुक दे रही थी गाड़ी को जब आप इसे सामने से देखोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक जो क्रोम का लाइनिंग दिया गया है, ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा ये आपको। और यहाँ पे आपको ऑटो का बैजिंग मिल जाता है। ये जो फीचर्स है गाइस, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत फीचर है इस गाड़ी का। बस वन बटन प्रेस करोगे और आपकी डोर ओपन हो जाएगी और बंद भी खुद ही हो जाएगी, आपको कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर ऑल 40 लाख जो पे किए हैं आपने। तो यार अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे कीलेस एंट्री आप देख सकते हो है इस गाड़ी में। अब इस गाड़ी की जो डोर की फीचर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो जो डोर हैंडल है वो क्रोम में है, और जो इस गाड़ी का सारे डोर में कंट्रोल्स दिए गए वो ORVM से रिलेटेड है और विंडोज़ से रिलेटेड है। और नीचे एक रेड लाइट दिया गया है, वो रात के वक्त हेल्पफुल होता है आपका रोड में, सेफ्टी वाइज बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है वो। फिर अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं इस गाड़ी में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के कुछ इंटीरियर्स के फीचर्स की। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल लीड को ओपन करने के लिए बटन मिल जाते हैं यहाँ पे, आपको इसे प्रेस करके आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको हेडलैम्प को एडजस्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप अपनी गाड़ी को एलिमिनेशन लाइट को कम और ज़्यादा कर सकते हो। जस्ट उसके बगल में आपको एक AC का जो 220 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट को ऑन ऑफ करने की स्विच है वो मिल जाती है, और उसके बगल में आपको मिल जाता है एक ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ करने का बटन। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के अब जो सेंटर कंसोल है उसकी, मतलब जो ड्राइवर की जो सेंटर कंसोल होती है उसकी, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो इस गाड़ी का मीटर, जो कि शायद लाइट जलने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी हमारे पास करंटली की अवेलेबल नहीं थी तो ये स्विच ऑन नहीं कर पाया हम लोग। यहाँ पे देख सकते हो आपको एनालॉग का जो बटन मिल जाता है वो है, और बीच में एक छोटा सा MID मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्टेयरिंग में किया की ब्रांडिंग, इस साइड क्रूज कंट्रोल, और देख सकते हो आप लोग अभी यहाँ पर की नॉट फाउंड का जो वो लिखा रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसमें नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, और ये रहा आपका सेंटर कंसोल। और यहाँ पे एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, क्योंकि इस गाड़ी के रियर सीट के पीछे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल करने के लिए सारे बटन मिल जाते हैं, और बहुत ही प्रीमियम लुक में आपको इस गाड़ी का सेंटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 1 लीटर वाटर होल्डर की जो बटन है वो मिल जाती है स्पेस। यहाँ पे एक आपको छोटा सा यूटिलिटी स्पेस मिलता है, सॉरी छोटा सा नहीं, अच्छा खासा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है गाइस, देख सकते हो आप लोग। थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था तो आपको थोड़े से देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, पर इसमें 2 अलग अलग स्लॉट्स बने हैं। एक में आप चाहो तो अपने पेपर्स वगैरह रख सकते हो, और ऊपर भी एक अलग सा एक स्पेस दिया गया है। गाइस देख सकते हो इंटीरियर में भी प्रीमियमनेस कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया है। यहाँ पे आपको ऊपर तरफ एक छोटा सा यूटिलिटी स्पेस मिलता है,
इसके अंदर भी क्रोम यूज़ किया गया है और इसे आप ऊपर से एक्सेस कर सकते हो। फिर नीचे की तरफ आपको देख सकते हो यहाँ पे किया कि कुछ एसेसरीज वगैरह रखी हुई है, यहाँ पे भी अपने सामान वगैरह आप रख सकते हो। ड्यूअल टोन में इस गाड़ी का डैशबोर्ड जो है वो आपको मिल जाता है, सॉरी ट्रिपल टोन में, क्योंकि बीच बीच में सिल्वर कलर का जो यूज़ है वो भी किया गया है। यहाँ से आप अपने रूफ वगैरह को खोलने का, जो सनरूफ वगैरह खोलने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। और यहाँ पे वाइट लाइट का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ये तो होना ही था क्योंकि आफ्टर ऑल ये इतनी महंगी गाड़ी जो है। तो गाइस यहाँ पे आपको दो अलग अलग मिल जाते हैं आपको सनरूफ, एक यहाँ पे और एक इसके पीछे साइड में। यहाँ से आप इसे बंद और खोल सकते हो दोनों ही एक साथ। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोग आ गए हैं इस गाड़ी के रियर की तरफ। तो यहाँ पे आपको दोनों ही सीटों के पीछे एक अलग अलग स्क्रीन मिल जाता है और उसमें किया की ब्रांडिंग भी रहती है। यहाँ से आप अपने एसी के जो कंट्रोल्स है उसको मैनेज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक दो और दो पीछे की तरफ मिल जाते हैं आपको एसी के वेंट्स, और यहाँ पे जो दूसरा वाला सनरूफ है वो आपको मिल जाता है। तो गाइस देख लो इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे सेंटर कंसोल है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो एक एसी वेंट है और जो यूएसबी पोर्ट्स आपको चार्जिंग के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको जो वाटर होल्डर वगैरह है वो भी देखने को मिल जाता है। गाइस सीट जो है उसकी कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी मुझे, और ये बीच के दोनों कैप्टन सीट्स हैं, ये वाला 7 सीटर वेरिएंट था। थर्ड रो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे क्योंकि लेग रूम अच्छा खासा था, बस मैं आपको बैठ के दिखा नहीं सका। यहाँ पे आपको सनसेट वगैरह भी मिल जाता है और पीछे की तरफ भी आपको वाटर बोल्डर वगैरह को रखने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको दोनों ही तरफ में आपको वाइट लाइट्स मिल जाती है और साथ ही साथ पकड़ने के लिए हैंडल्स भी वहाँ पे आपको अवेलेबल किए गए हैं। ये देखो यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा, शायद मैंने फोकस किया होगा। देखो यहाँ से लाइट ऑन ऑफ नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं था। और वहाँ पे पीछे तरफ आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको मिल जाएगा और सारे ही डोर्स जो विंडोज़ है, ये देखो चार्जिंग सॉकेट, फास्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे भी मिलता है और बोतल होल्डर भी मिल जाता है। और सारे ही जो विंडोज़ है उस पर आपको एक सनसेट देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ जो डिक्की है उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर दो ट्रॉली आप लोग रख सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही बस, अगर उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट करना है कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।